नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत करता हूँ। इस ARO 2016 की विशेष श्रृंखला में हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी तद्भव और तत्सम शब्दों की। इसी में हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे हिंदी से 6 जुड़े हुए चीज़ें आती हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं, और इसी श्रृंखला में विशेष्य और विशेषण भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यही विशेषण विशेष में होती है, क्योंकि लगभग चाहे वो वर्तनी हो, चाहे वो तद्भव तत्सम हो, पर्यायवाची हो, या फिर आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, सब में लगभग 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आने पर सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको ढंग से एक बार पढ़ लिया जाए तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन, अगर और ढंग से पढ़ लिया जाए तो 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से विशेष और विशेषण को ध्यान में रखा जाए और अधिक से अधिक अंक अर्जित किए जाएं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर विशेषण क्या है। परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण दोष संख्या परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हमने क्या बात करी, विशेषता की बात करी। यहां विशेषता क्या हो सकता है, किसी चीज का गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है और उसका परिमाण भी हो सकता है। इनको हम अभी अलग अलग आगे देखेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि जो भी चीज, कोई चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, अगर उसकी कहीं पे भी विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या होगा, विशेषण होगा। जैसे बड़ा, काला, दयालु, इसको एक उदाहरण के अनुसार हम समझते हैं। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि राम बड़ा आदमी है, तो राम क्या हो गया, संज्ञा है। बड़ा इसमें क्या है, बड़ा उसकी विशेषता बता रहा है, कैसा आदमी है, बड़ा आदमी है। तो इस अनुसार राम काला है या राम दयालु है, तो राम संज्ञा है और ये दयालु, काला, बड़ा क्या है, इसकी विशेषता है। तो आप देखेंगे कि बड़ा, काला, दयालु आदि क्या है, विशेषता है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषता एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही बताता है। यहां पे आप जब भी किसी विशेषता की बात करते हैं हम, तो वहां पे ये किसी न किसी चीज की विशेषता ही बताएगा। जैसे संज्ञा के रूप में अगर आप देखें तो संज्ञा पेटू, लोभी, क्रोधी। स्वर्णाम से इतना, कितना, आप आदि। क्रिया से चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक। अव्यय से बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें। एक उदाहरण लेकर के हम इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इसकी विशेषता जब बताते हैं संज्ञा स्वर्णाम की, तो वो क्या होता है, विशेषण के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे अमित पेटू है, अब यहां पे आप देखेंगे कि अमित पेटू है, तो अमित तो संज्ञा है। संज्ञा में आप सभी जानते हैं कि किसी नाम हो, स्थान हो, प्लेस हो, तो वहां पे संज्ञा होती है। तो नाम यहां पे हमें दिखाई पड़ रहा अमित, तो अमित अब क्या है, पेटू है। पेटू क्या है, उसकी विशेषता है। तो जहां पे भी विशेषता दिखाई पड़े वो विशेषण है, आंख मूंद करके। चूंकि आप देखेंगे आर ओ ए आर एम 2-3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो सीधे पूछ लेता है कि निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न शब्दों में से कौन सा विशेष्य है, या कोई लाइन दे देगा जैसे अमित पेटू है, इसमें से विशेष्य कौन है या इसमें से विशेषण कौन है। और कभी कभी एक लंबी लाइन दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें कितने विशेष्य हैं या इसमें कितने विशेषण हैं। ये 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इन चारों तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे उदाहरण के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि विशेषण संज्ञा से भी बन सकता है, विशेषण सर्वनाम से बन सकता है, विशेषण क्रिया से बन सकता है, विशेषण अव्यय से भी बन सकता है। अब विशेष्य क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। यथा गीता सुंदर है,
गीता क्या है? सुंदर है। अब इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जब जिस चीज की विशेषता बतलाई जाए वो क्या होगा? विशेषण। तो अब विशेषता क्या है? सुंदर होना हमारी विशेषता है, या खराब होना विशेषता है, काला होना विशेषता है, गोरा होना विशेषता है। तो अब यहां पे क्या हो गया कि सुंदरता क्या हो गई? विशेषता हो गई। विशेषता होने का मतलब यह है कि यह क्या हो जाएगा? विशेषण। अब हमने ये कहा था कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। तो यहां पे गीता क्या है? विशेष्य है। बस इतनी सी बात आप आगे के स्लाइड में ध्यान दीजिएगा, आपका ज्यादा से ज्यादा विशेष्य और विशेषण सही होंगे। कैसे हम पता करेंगे कि ये कौन सी वस्तु का या किसी व्यक्ति के कैसे विशेषण बताया जा रहा है, या विशेषण किस तरह से हम पहचानेंगे? अगर हम विशेषण पहचानना सीख जाएं तो हम विशेषण को ये भलीभांति बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। तो उसके लिए हमें कुछ नियम देखने पड़ेंगे। जैसे विशेषण के कार्य क्या होते हैं? किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना, हीनता का बोध कराना, अर्थ सीमित करना, संख्या का बोध कराना और मात्रा बतलाना। अब एक देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि विशेषण कार्य किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना, जो कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी। तो यहां पे रमेश स्वस्थ है। अब रमेश कौन है? हमने पहले ही कहा कि अगर किसी का नाम आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई स्थान आ रहा है, तो वो संज्ञा है। तो यहां पर नाम आपको सीधे सीधे दिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। रमेश क्या है? स्वस्थ है। अब स्वस्थ क्या है? स्वस्थ है या अस्वस्थ है या बीमार है, जो भी चीजें दिख रही है, तो ये क्या उसकी बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और जैसे ही इसको विशेषता बतलाएगा वो क्या हो जाएगा? विशेषण। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है। अब घोड़ा क्या है? संज्ञा है। तो जब घोड़ा संज्ञा है, यानी कि यह क्या होगा? हमारा विशेष्य होगा। लेकिन एक चीज हम और यहां पे देख रहे हैं कि लाल घोड़ा कैसा घोड़ा? लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, जिस तरह सफेद घोड़ा। तो घोड़ा यहां पे क्या है? घोड़े की विशेषता बतला रहा है लाल। तो लाल क्या हो जाएगा? विशेषण। तो यहां पे जिस किसी भी चीज से विशेषण का पता चले, या हीनता का बोध हो, हीनता मतलब जब हम किसी से कंपेयर करते हैं कि हम उससे कितने कमजोर हैं, या किस तरह से हमें कमियां दिखाई पड़ रही हैं। तो यहां पे आप देखें, जैसे मान लीजिए बीमार वृद्ध, तो वृद्ध तो है ही है, और वृद्ध के साथ साथ वो क्या है? बीमार है। तो अब वृद्ध कौन होगा? व्यक्ति होगा। तो जब वृद्ध व्यक्ति है तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा? विशेष्य होगा। और बीमार, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो यह क्या होगा? विशेषण होगा। इसी में आप देखेंगे कि अर्थ सीमित करने के संदर्भ में भी आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पढ़ते छात्र, अब यहां पे पढ़ते छात्र में आप देखेंगे दो चीजें दिखाई पड़ेगी, इसमें क्रिया भी दिखाई पड़ेगी। जैसे हमने पहले कोई कार्य कर रहा, तो क्या है? क्रिया दिखाई पड़ रही है, और साथ ही साथ क्या है? छात्र। तो अब यहां पे हमने कहा था कि क्रिया भी है, तो अभी आगे स्लाइड हम देखेंगे किस तरह से क्रिया को भी हम समझ सकते हैं कि यह विशेष्य है या विशेषण है। तो यहां पे जब यहां पे कार्य कोई कर रहा है, तो ये तो विशेष्य होगा ही होगा, और उससे जो जुड़ा हुआ शब्द है, चूंकि इसका सीमित अर्थ दिखाई पड़ रहा है, यहां पे पूरी लाइन नहीं दी हुई है, तो ये क्या होगा? हमारा विशेषण होगा। संख्या का बोध कराना, अब यहां पे आप देखेंगे कि जहां पे भी कोई संख्या आ जाए, संख्यावाची शब्द हो, वो क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे पांचवा बालक, छठा बालक, सातवां बालक, आठवां बालक, या कुछ भी आ जाए। तो अब आप देखेंगे कि बालक क्या है? बालक तो हमने पहले ही कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के बदले में जो भी दिखाई पड़े, तो संज्ञा है ये। अगर ये संज्ञा है तो ये विशेष्य होगा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो पांचवा है, जो कि संख्या का बोध करा रहा है, ये क्या होगा? विशेषण होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मात्रा भी बतलाता है। मात्रा में क्या? जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 2 लीटर तेल चाहिए, या 5 किलोग्राम चावल चाहिए, या 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितनी भी मात्रात्मक वस्तुएं भी दिखाई पड़ेंगी, वो मात्रा क्या होगी? विशेषण होगा।
और उसके साथ वाला शब्द क्या होगा? विशेष। विशेषण के कई सारे भेद भी होते हैं, कई बार पूछ लेता है विशेषण के भेद बतलाइए, तो आप देखेंगे कि विशेषण के चार भेद हैं। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण है। इनको हम अलग अलग देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध हो। किस किस चीज का? गुण दोष हो, चाहे रंग हो, चाहे आकार हो या दशा हो, अवस्था हो, रूप आदि का बोध हो, तो वो क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि इन सारी चीजों से किसी न किसी गुण का पता चलेगा। किसकी गुण का पता चलेगा? विशेष के गुणों का पता चलेगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो भाव है वो या तो अच्छा होगा, या तो बुरा होगा, या कायर होगा, या वीर होगा, या डरपोक होगा। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि यहां पर जहां पे भी किसी तरह का कोई भाव दिखाई पड़े वो क्या होगा? विशेषण ही होगा। दूसरा, रंग। रंग में कई प्रकार का रंग हो सकता है, लाल, हरा, नीला, काला, पीला, सफेद, बैंगनी, जितने भी प्रकार के रंगवाची अगर शब्द कोई दिखा पड़ जाए तो वहां पे आप आंख मूंद करके उसको विशेषण मान करके टिक कर दीजिए। तीसरा, दशा। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की दशा कैसी हो सकती है? या तो पतला होगा, मोटा होगा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, यानी किसी प्रकार से उसकी दशा दिखाई पड़े तो वो क्या होगा? विशेषण होगा। आकार, आकार भी कैसा होगा? गोल होगा, सुडौल होगा, नुकीला होगा, या फिर भोथरा होगा। तो इस तरह के जहां पे भी आपको सब दिखाई पड़ जाए, गोलाकार दिखाई, त्रिभुजाकार दिखाई पड़ जाए, तो आकार जैसा भी दिखाई पड़े आकार में क्या होगा? विशेषण होगा। समय, समय कैसा हो सकता है? समयवाची शब्द जहां भी आए, जैसे अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, रात, दिन, जिससे भी हमें समय का पता चले वो भी क्या होगा? विशेषण होगा। स्थान, स्थान में कैसा हो सकता है? स्थान ऊंचा हो सकता है, स्थान नीचा हो सकता है, स्थान गहरा हो सकता है, स्थान लंबा हो सकता है, स्थान चौड़ा हो सकता है। तो इस तरह के जहां भी शब्द आपको दिखाई पड़ जाए वो क्या होंगे? विशेषण होंगे। गुण, गुण आपका कैसा हो सकता है? कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है, सुंदर हो सकता है या तो देखने में किसी तरह का हो सकता है, मीठा हो सकता है किसी, जैसे आम मीठा है, या आम खट्टा भी हो सकता है, या करेला कसैला है। तो किसी भी तरह का गुण अगर दिखाई पड़ जाए तो वो क्या होगा? विशेषण ही होगा। दिशा, दिशा में आप देखेंगे कि दिशा कितना होगा, या उत्तरी होगी, दक्षिणी होगी, पूर्वी होगी, या पश्चिमी होगी। तो इस तरह के जहां पे भी आपको दिखाई पड़ जाए शब्द तो वो क्या होंगे? विशेषण होंगे। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषता विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हमने थोड़ी देर पहले यह भी देखा था विशेषण संदर्भ में कि कहीं पे भी कोई भी संख्या दिखाई पड़ जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, एक, दो, तीन, शतम, सहस्त्र, जो भी आपको दिखाई पड़ जाए, लक्ष्य, वो सब क्या होंगे? विशेषण ही होंगे। अब यहां पर भी विशेषण के दो भेद हों, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्या के विशेषण वो होते हैं कि जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो, यानी कि जैसे हमने कह दिया कि चार लड़के, तो यहां पे जब चार लड़कों की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? चार फिक्स है, निश्चित है कि चार लड़के ही होंगे, ना उससे ज्यादा होंगे ना उससे कम होंगे। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध हो, जिससे यह ना पता चले कि कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि कुछ लड़के पढ़ने आए, अब जहां पे कुछ लड़के, अब कुछ लड़के वो दो चार भी हो सकते हैं, कुछ लड़के 10-20 भी हो सकते हैं, कुछ लड़के 50-60 भी हो सकते हैं, तो वो संख्या पर निर्भर करता है। कुछ में यहां पे निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। जैसे कई लड़के पढ़ने आए, काफी कुछ पढ़ के गए, तो यहां पर निश्चित नहीं है, तो
जहां पे भी संख्यावाचक विशेषण में आपको अनिश्चित संख्यावाची भी हो सकता है और निश्चित संख्यावाची, लेकिन संख्या अगर उससे पता चल रही है तो वो क्या होगा, विशेषण ही होगा। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का ज्ञान हो वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण यानी कि आपको आकार पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा नमक लाओ, तो अब जब थोड़ा की बात कर रहे हैं तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कितना लाना है, एक चम्मच लाना है, एक किलो लाना है, एक क्विंटल लाना है, थोड़ा। तो यहां पर निश्चित नहीं है कितना लाना है, बहुत आदि, ये 3 मीटर यहां पे दिया हुआ, ये गलत है क्योंकि ये निश्चित है। सर्वनामी विशेषण, परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के भाग प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम भी आप सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, सर्वनाम होते हैं। तो यह लड़का हमारे कॉलेज का है। अब अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि सुरेश हमारे कॉलेज का है, तो नाम तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि सुरेश की जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यह का प्रयोग किया गया है। तो यह लड़का हमारे कॉलेज का, तो जो भी संज्ञा के बदले जो भी शब्द दिखाई पड़े या जो सर्वनाम रूप में हो वो क्या होंगे, वह भी विशेषण होंगे। जैसे वह आदमी हमारा मित्र है, तो यह किसके बदले, अगर हम सीधे कह देते हैं कि शैलेश हमारा मित्र है तो शैलेश का सीधे नाम आ गया, लेकिन उसके बदले हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, वह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह भी क्या होगा, यहां पे हमारा विशेषण ही होगा। हमने पहले ही कहा था कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जो भी चीजें दिखाएं वो क्या दिखाई पड़ेंगे, विशेषण। तो इस प्रकार से यह वह जो शब्द दिखाई पड़ेंगे ये क्या होंगे, लड़का और आदमी विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन एक लंबा लाइन दे देता है और उसमें पूछ लेता है कि बताइए कि इसमें कितने विशेषण हैं, काउंट करने के लिए दे देता है। तो इसमें आप देखेंगे कि वो प्रविशेषण टाइप के होते हैं, यानी कि एक ही वाक्य में कई विशेषण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे राम अत्यधिक तेज छात्र है, तो राम क्या है आप सभी जानते हैं, राम व्यक्ति है। जब राम व्यक्ति है तो राम तो विशेष्य हो गया, क्योंकि संज्ञा है, हमने पहले ही कहा था कि इस विशेष्य कौन होगा। अब यहां पे हमने कहा था विशेषता जो बतलाए वो क्या है, विशेषण है। तो अब यहां पे हमने कहा था तेज क्या है, उसकी विशेषता है, अत्यधिक भी क्या है, विशेषता है। यानी कि आप देखेंगे कि यहां पर दो चीजें दिखाई पड़ रही है, एक तो तेज है, कितना तेज है, अत्यधिक तेज है, यानी तेज की भी विशेषता बतला रहा है, यानी कि विशेषता की भी विशेषता जो शब्द बतलाए वो क्या है, प्रविशेषण है। तो यहां पे आप देखेंगे कि दो विशेषण है, एक तो अत्यधिक है और दूसरा तेज है। तो इस तरह से आपको गिनने में भी आसानी होगी कि कौन कौन से विशेषता जितने भी शब्द बतला रहे हैं वो सारे क्या होंगे, विशेषण होंगे। जैसे नीतू अति सुंदर लड़की है, तो नीतू तो अपने आप में व्यक्ति है तो वो क्या हो गया, विशेष। लेकिन अति सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषता है, और सुंदर का भी जो विशेषता है वो क्या है, अति है। यानी यहां पे दो विशेषण हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर आप देखें, कभी कभी हो सकता है कि कभी ज्ञान में पूछा नहीं है, पूछ ले कि इसमें कौन सा अति प्रविशेषण है, प्रविशेषण कौन सा है, तो जो विशेषता की भी विशेषता बतलाए वो क्या है, प्रविशेषण। अब हम विशेषणों की रचना कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि यह विशेषण है या विशेष्य है, तो कुछ नियम है जिनके आधार पर हम देख लेते हैं। विशेषण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं, जैसे रूप रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं और ये क्या कहलाते हैं, मूल विशेषण कहलाते हैं। जिनमें परिवर्तन ना हो वो क्या है, मूल विशेषण है, और जिनमें परिवर्तन हो जाए वो क्या होते हैं, अविकारी। आप देख रहे हैं तो जैसे सुंदर है, पीला है, गोरा है, सुडौल है, भारी है, चंचल है, ऐसे शब्दों को आप इनमें कुछ और जोड़ करके कुछ और नहीं बना सकते, यानी कि अपने मूल शब्द में ही दिखाई पड़ेंगे, इसलिए ये क्या है, मूल विशेषण है।
अब विशेषण कुछ बनाए जाते हैं, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो आप देखेंगे कि जो संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा तो अपने आप में विशेष्य होता है, हमने पहले ही चर्चा करी। तो अब इन संज्ञाओं में भी कुछ शब्दों को जोड़ करके विशेषण बना दिया जाता है। जैसे धर्म क्या है? संज्ञा है। अब इसमें हमने क्या लगा दिया? एक प्रत्यय लगा दिया। तो धर्म में अगर एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? धार्मिक। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि श्याम बहुत धार्मिक है या श्याम धार्मिक है, श्याम धार्मिक है। दूसरा वर्ड चलिए हम ये लिख देते हैं, श्याम धर्म है। तो क्या श्याम जो धर्म है शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति है और दूसरा भी, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। तो दोनों संज्ञा से या तो संज्ञा के साथ सर्वनाम क्रिया कुछ और शब्द यूज करें, लेकिन श्याम धार्मिक है यानी कि धार्मिक होना क्या है? उसकी विशेषता है। और जहां विशेषता होगी वो क्या होगा? विशेषण होगा। तो कोई भी शब्द अगर आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप उसे पैराग्राफ में या किसी एक लाइन में रख लीजिए और लाइन में रखने के बाद उन चारों शब्दों को यूज कर लीजिए कि कौन सा शब्द हमारा सही बन रहा है, कौन सी लाइन हमारी सही बन रही है। और चारों शब्दों में जिसकी लाइन सही बन जाए वही क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे और देखिए सब, चमक, उसमें क्या किया गया? इला प्रत्यय लगाया, क्या बन गया? चमकीला। जैसे हम ये कहें कि उसका कपड़ा बहुत चमकीला है या उसका कपड़ा चमक है, तो चमक है ये अपने आप में क्या है? संज्ञा है। लेकिन चमकीला क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। गुण, गुण क्या है? संज्ञा है अपने आप में, लेकिन गुण में जैसे ही हमने ई प्रत्यय लगाया क्या बन गया? गुणी। जैसे अमित बहुत गुणी है, तो यहां पे अमित का गुण होता तो गुण क्या हो जाता? संज्ञा हो जाता, लेकिन गुणी होना उसका क्या विशेषता बतला रहा है, और विशेषता बतलाने के क्रम में वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से वान देखिए आप, वान जहां पे भी वान प्रत्यय, अब आप ध्यान रखिएगा कि जिन भी शब्दों में एक प्रत्यय, इला प्रत्यय, ई प्रत्यय, वान प्रत्यय ऐसे प्रत्यय दिखाई पड़ जाए उनको ये मान के चलिएगा कि वो क्या है? विशेषण है। तो कुछ इन शब्दों को आप याद रख कर लीजिएगा कि यहां पर जो भी प्रत्यय लगेंगे हमें वो क्या है? विशेषण ही बनेंगे। दूसरा देखिए कि सर्वनाम से कैसे विशेषण बनता है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले शब्द यूज किए जाते हैं जानते ही हैं, जैसे हम कहें कि श्याम, तो यह श्याम है या वह श्याम है, तो जो उसके बदले अगर कहा जाए कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह न कहें कि श्याम अच्छा है बल्कि क्या कह दें? वह अच्छा है या यह अच्छा है। तो अब इनके बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वह से हम कैसा विशेषण बना सकते हैं? वैसा, यह से ऐसा, तो ऐसे शब्द जहां पे दिखाई पड़े वो भी क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट आप देखिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जहां पे आपको सामासिक चिन्ह दिखाई पड़ जाए वो क्या होंगे? विशेषण होंगे, क्योंकि दो शब्द जहां मिलेंगे, जैसे दुबला प्लस पतला, चलता धन फिरता चलता फिरता, छोटा धन बड़ा छोटा बड़ा, तो इस तरह के शब्दों के मेल से एक साथ जो शब्द बनते हैं उन शब्दों के मेल से भी क्या होते हैं? विशेषण बनते हैं। क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम क्लास की पिछली साइड में थे तो वहां हमने चर्चा किया था कि क्रियाओं से भी विशेषण बनते हैं। जैसे पूज शब्द है हमारे पास, पट शब्द है हमारे पास, अब ऐसे शब्दों के इसके नीचे हलंत रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब हम देखेंगे वर्तनी में देखेंगे तो किन शब्दों को कैसे लिखा जाए उसकी चर्चा करेंगे। तो पूज धन अनीय, यहां पे हमने कौन सा प्रत्यय लगा दिया? अनीय प्रत्यय। तो अनीय प्रत्यय लगने के बाद क्या बन गया? पूजनीय। जैसे देवता पूजनीय है, तो देवता तो विशेष उसका बताया जा रहा संज्ञा है, तो संज्ञा तो विशेष होगा लेकिन उसकी विशेषता क्या है? पूजनीय है। पठनीय, यहां पर भी नीय प्रत्यय लगा, तो आप क्या देखेंगे कि जिसमें भी ये प्रत्यय लगते हैं ये क्या होंगे? क्रियाओं में, क्योंकि पढ़ना, पूजा करना, चलना, दौड़ना, रेंगना, ये सारे सब चीजें क्या है? क्रिया है। तो क्रियाओं में अगर प्रत्यय लग जाता है तो वो भी क्या बनेंगे? विशेषण बनेंगे। अव्यय लगाकर,
अब इसमें अव्यय में भी देखिए सभ्य प्रत्यय लग रहा है, ऊने प्रत्यय, ए प्रत्यय, तो जहां पे भी आपको इस तरह के शब्द दिखाई पड़ जाएं प्रत्यय लगे हुए वो क्या होंगे, विशेषण होंगे। सर्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होता है जिस तरह से सर्वनाम, जैसे वह बालक, वे बालक, उस लड़के का या उन लड़के का। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये वह नहीं होगा, ये वह होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहां पे क्या है, एक वचन से अगर बहुवचन में जा रहा है तो भी क्या होगा, विशेषण बन जाएगा। सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में क्या अंतर होता है ये भी देख लें, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह मुंबई गया, कौन मुंबई गया, वह मुंबई गया, तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। दूसरा है सर्वनामी विशेषण, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। यहां पे यानी कि यह चीज होनी चाहिए कि उसकी विशेषता जरूर बतला रहा हो, चाहे संज्ञा के पहले हो या संज्ञा के बाद हो, जैसे वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द हम जानते हैं कि अपने आप में क्या है, सर्वनाम है, लेकिन रथ का क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है, तो यह अपने आप में क्या हो गया, इसके साथ जुड़ने से यह सर्वनामिक विशेषण बन गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं सर्वनाम भी विशेषण का कार्य करता है अगर वाक्य में रहेगा तो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुछ परंपरागत विशेषण है ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, तो उसको देख लीजिएगा, जैसे पत्थर के समान, तो जहां पे भी समान वाला अगर लग जाए, दिखाई पड़ जाए आपको, तो वहां पे क्या होगा, वो विशेषण होगा। जैसे मान लीजिए मखमल के समान क्या होगा, मुलायम होगा, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, शहद के समान शहद की मक्खी के समान उद्योगी, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर, कौवे के समान काला, या फिर आप देख सकते हैं गरुड़ के समान तीव्रगामी, तुलसी के समान पवित्र। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जिनको हमने जानने की कोशिश करी। बाकी चीजें तो रट करके काम चलाई जा सकती हैं, लेकिन विशेषण विशेष्य को रटने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको समझना पड़ेगा, और समझने के साथ साथ इसमें एक एक जो इसके नियम हैं कुछ नियमों को याद करना पड़ेगा कि प्रत्यय लगने के बाद किस तरह से बनता है संज्ञा और सर्वनाम, किस तरह से गुण बताएंगे, उसका आकार बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें मोटी मोटी चीज़ें अगर याद हों तो हमें विशेषण और विशेष्य करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। एक और है, एक उदाहरण तो तरह देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि विशेष विशेषण के प्रयोग से विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे संज्ञा का वैयाकरण क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिससे भी संज्ञा के क्या हमें गुण या धर्म पता चल जाए, वही जो पहले बात लाइन में कही थी, जैसे काला घोड़ा दौड़ा, तो घोड़ा क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य, और काला उसकी विशेषता बतला रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। दोस्तों विशेष विशेषण एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम रट के काम चला सकते हैं, जैसे अगर पर्यायवाची पढ़ना हुआ, विलोम शब्द पढ़ना हुआ, तो उनको रटना पड़ेगा, और वो एग्जाम से एक दिन पहले नहीं रटे जाते। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कि एग्जाम से एक दिन पहले भी हमें उसका रिविजन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसमें छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है विशेषण और विशेष, और इस विशेषण विशेष को हमें न सिर्फ बार बार पढ़ना है, बल्कि जब हम एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम देने से एक दिन पहले भी इसका रिवीजन करना अनिवार्य है, जिससे कम से कम गलतियां हों और ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित किए जा सकें। इसी के साथ विशेषण और विशेष समाप्त होता है, अगले स्लाइड में आपसे फिर मिलेंगे, थैंक यू।